अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम तकमील आशियाना में शेफ सोनिया और मैं आपकी मेजबान जुबी अली। अस्सलाम वालेकुम सोनिया। वालेकुम अस्सलाम जुबी, क्या ख्याल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से और उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगी। जी बिल्कुल, तहरीर लिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बिल्कुल, और आजकल तो बड़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, मौसम इतना अच्छा हुआ है। वहाँ खूबसूरत मौसम है, खूबसूरत भी हाँ, और बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है उसकी। लेकिन हवा में बहुत मिट्टी है, बहुत मिट्टी है और तेज भी चल रही है, तो कभी कभी इतनी हाँ बहुत तेज हवा चल रही है तो घर में इतनी तेज हवा लग रही है। सीवीओ साइड पे आप गई सीवीओ की साइड? नहीं नहीं, मैं तो नहीं गई, मैं नहीं गई हूँ, लेकिन हवा वैसे ही हमारे गुलशन में तो बहुत पता चल रहा है कि हाँ हवा बहुत तेज है और ऐसा बालों का हशर हो चुका है। हाँ बाइक पे जाओ तो और बुरा हाल, लोग पहचानेंगे नहीं, और गाड़ी में जाए तो फिर तो सही है, ठीक है। और रेलगाड़ी में, और अगर रेलगाड़ी में जाएं और खिड़की भी खुली हुई और सफर भी लंबा हो पहचानेंगे जी कौन। फिर से हम लोग छोटे थे तो हम रेलगाड़ी में हम लोग जा रहे थे, सफर भी लंबा था तो हमारे सामने वाली सीट पे एक सिंगल बंदा बैठा हुआ था अपना वाटर कूलर लेके। भाई उसने खिड़की बंद ही नहीं की, बिल्कुल नहीं की, और वो लिटरली वो बहुत बिल्कुल बहुत ही लग रहा था, वो बिल्कुल मिट्टी अटा हुआ, वो बंदा मिट्टी से अटा हुआ। अच्छा ऐसे हुआ, जब आप शीशे वगैरह क्यों होता है कि आप बंद करके अंदर बैठे, लेकिन जो बिजनेस क्लास की गाड़ी जो होती है उसमें सही है, सेफ आप बिल्कुल जाएंगे। ये तो बड़ी, ये तो खैर बड़ी, मैं बहुत पुरानी में बात अपने बचपन की बता रही हूँ। हाँ तब तो हम भी भूत बने। अच्छा मानती है कि मैं भूत रही हूँ? हाँ जब मैं भी गई थी पंजाब ऐसे ही हुआ, छोटी छोटी थी तो वो शौक होता है ना देख के खड़े हुए तो उसमें ना, तो इतनी हवा चल रही होती थी। और फर्स्ट टाइम मैं गई थी, छोटी थी बहुत, तो ना तो मैंने कहा ये क्या बाल पूरे वाइट हो गए, मैंने कहा ये अल्लाह, अम्मी ने कहा और खुला ढुला होकर बैठो और जाओ इसी तरह से। लेकिन मुझे बहुत पसंद है, मुझे रेल का सफर पसंद बहुत है। लेकिन तो जमाने हो गए ना, रेल का सफर यूं पसंद है आपको क्या? आप उसमें चल फिर कर सकती है, बिल्कुल नहीं मुझे एक इसकी वजह ये भी है कि मुझे अच्छा लगता है बाहर देखना कि मुख्तलिफ मंजर आंखों के सामने से गुजर रहे हैं, कहीं सूरज गुरूब हो रहा है, कहीं खेत आ रहे हैं, कहीं घर आ रहे हैं, मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। इस किस्म का व्यू होता है, देखो तो मजा आता है, बहुत प्यारा व्यू होता है। और खास तौर पे बिल्कुल जब मॉर्निंग होती है उसमें खेत होते हैं और किसान फिर रहे होते हैं, इतना प्यारा मुझे वो सीन लगता है। अच्छा जो कपास का होता है ना, तो वो होते हैं कपास, इतना अच्छा लग रहा होता है ना, और जो है ना बड़ा मजा आता है मुझे तो। और जब रात का टाइम होता है तो किसी स्टेशन पे, किसी मतलब छोटे से स्टेशन पे रेलगाड़ी रुकती है, अंडे तो हाँ वो होते, और वो टिमटिमाती भी पीली सी रोशनी, और उसकी एक अलग स्टेशन की ना एक अलग स्मेल होती है, एक अलग ही कुछ होती है डीजल वगैरह की ना, तो मुझे बड़ा फैसिनेट करता है ये सब कुछ, मुझे बहुत पसंद है। मैं बचपन में बड़ा मुझे अच्छी लगती थी, मैं तो मैं सोचा करती थी कि काश मेरी गाड़ी चला सकती। बचपन में शरारती थी आप लग रहा मुझे बहुत। मैं ऐसी शरारती थी कि लोगों को लगता नहीं था कि मैं शरारती हूँ, लेकिन मैं शरारती चुपचाप शरारती शरारती थी। और क्या किया पूरा हफ्ता? पूरा हफ्ता मत पूछे, इवेंट वगैरह था उसमें आना चाहता था, फिर कुछ भाभी की बहन की डेथ हो गई कल, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है कई दिनों से, तो बस इसी में लगी हुई, आना जाना लगा हुआ अम्मी की तरफ बार बार। तो अम्मी,
इटली कराची में ही है? जी जी कराची में ही है। अच्छा अच्छा नहीं आप बिल्कुल जाए बिल्कुल माफ करती है, हाथ हाथ मेरा चूमती है, बेटी मेरा बेटा बेटी आ गई, रोती है ना कि मुझे माफ करती है। मैंने कहा आप क्यों ऐसी बातें करती है ना, और माँ क्यों माफी मांगने के लिए, क्यों माँ को भी तो चाहिए ना अपने औलादों से माफी मांग लेना चाहिए। नहीं है तो मैं भी रोने लग जाती कल भी मैं बहुत ही, जब वो मुझे कह रही थी मुझे माफ कर दो ना, तो मैंने कहा अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, तो हंस रही थी मुझे देखकर ना, कह रही हाँ बेटा तुम औलाद तो यही कहती कि माँ बाप जिंदा सलामत रहे। मैंने कहा मेरी यही दुआ अल्लाह से कि अल्लाह पाक आदे सलामत रखे आपको हमारे। आमीन आमीन आमीन। हाँ मैंने कहा मुझे मौका दें कि मैं आपकी खिदमत करूँ। कह रही इतना अच्छा, मेरी अम्मी को ना मैं बहुत पसंद हूँ। अच्छा। यानी के पांच हाँ। हम हैं लेकिन अम्मी को सबसे ज्यादा प्यार मुझसे है, और हाँ। मुझे अभी कई मेरे ख्याल से एक हफ्ते से इतनी मुझे कॉल कर रही हैं और कहती बस आ जा। अच्छा हाँ। अच्छा किसी औलाद से ज्यादा ही कुछ होती है, मेरे पास बैठो मेरे पास बैठो, तो मैं बैठती हूँ अम्मी की पैर वैर दबा देती हूँ, हाथ में इतना प्यार करती हूँ, उनकी गोद में सरक के लेट जाती हूँ, इतना प्यार करती हूँ। औलाद कितने बड़ी हो जाए लेकिन माँ बाप के लिए तो वो बहुत बच्चे ही औलाद ही है ना। बस कहती है कि मैं जाने वाली हूँ तो मैं अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना, पता नहीं क्यों ऐसी बातें कर रही है, कई दिनों से एक हफ्ते से ना ज्यादा यानी कि बहुत परेशान हूँ, तो मैं इतनी दुआएं करती हूँ अम्मी के लिए, सुबह से बैठ अल्लाह ताला सेहत दे उनको, सेहत दे। मैं भी दो दिन पहले गई थी अम्मा अब्बा की कब्र पे, तो मतलब मैं सोचती हूँ कभी यहाँ पे लेटने वाले कभी जिंदा लोग थे वो भी हंसते होंगे बोलते होंगे, आज आज वो शहर खामोश है। कहते हैं कि जो भी माँ बाप मर के भी ना औलाद के लिए दुआएं करते हैं, उनकी जो है ना उनकी फिकर करते हैं, उनकी रूहें बेचैन हो जाती है जब औलाद को तकलीफ में देखते हैं। तो ना अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, यानी ऐसी तो खराब नहीं थी बस ऐसे ही था, और मैं ना बहुत परेशान भी थी ना, तो अब्बू को मैंने ख्वाब में देखा तो वो रो रहे थे, मैंने कहा क्या हुआ ना, हाँ तो बस रोते रोते जैसे मेरी आंख खुली तो मैं उठ के एकदम ना बेचैन सी हो गई, फिर मैंने ना बच्चों से कहा अब्बू को मैंने ख्वाब में देखा ये, वो अम्मी को नहीं बताया, अम्मी ये परेशान होता कि मैंने ना ये देखा। हाँ और अम्मी कह रही थी जब मैं अम्मी के घर गई ना अभी अम्मी का ना यानी के बर्थडे यानी के उनका जो है हम लोग बर्थडे करते है ना 14 अगस्त, तो जमा हुए तो कह रहे ये आखिरी साल है मेरा और बर्थडे नहीं होगी ना और नहीं कर पाओगे तुम लोग, इतना हम लोगों को रुलाया, हम सब बहन भाई रोने लग गए ना, और माशाल्लाह से आप यकीन करें मेरे भाई बहने हम लोग इतना प्यार करते हैं अम्मी से ना बहुत ज्यादा, बेड के ऊपर सब बैठ जाते हैं सब, और अम्मी के पास इतनी खुश होती है। मैं अम्मी से कहती हूँ आप बहुत खुश नसीब है कि आपकी औलाद आपसे इतनी मोहब्बत करती है और आप जो है ना साथ साथ बैठते हैं आपके साथ कमरे में, सब बेटी भी बहू भी साथ साथ बैठी हुई होती है, पोता पोती सब, और अम्मी जो ना बीच में बैठी होती है, तो मैं भाभी छेड़ती रहती हूँ कि ना अम्मी कोई कहानी सुनाए कोई कहानी सुनाए, अम्मी कहती क्या कहानी सुनाओ, बस वही है बस मेरे बच्चे हैं और मैं हूँ और क्या कहानी है। हमारी अम्मी बुजुर्गों की रौनक चाहे वो बेड पे क्यों ना हो, बुजुर्गों माशाल्लाह से कहती है किसी को बूढ़ा नहीं बनाना चाहती जी, बस दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबके सबकी औलाद की जो है ना माँ बाप का साया अल्लाह पाक सलामत रखे और सबको खुशियाँ दे, भाई माँ बाप कोई चीज नहीं कोई भी नहीं, यकीन जाने कोई भी नहीं, इनका कोई नेमत बदल आपको मिली नहीं मिल सकता, लेकिन लोग नहीं समझते हैं, उनके साथ ज्यादती करते हैं, उन्हें मारते हैं तो गालियाँ देते हैं देते हैं उन्हें और उसमें छोड़ के आ जाते हैं, अगर इतना अगर इतने अच्छे हो तो ये ओल्ड हाउस ओल्ड होम या बनने ही नहीं चाहिए, सबके घरों में खिदमत करें उनकी,
देखे ना, अब आपको बचपन से लेके बड़े तक पाल रहे होते हैं और जो है आपकी फरमाइश पूरी कर रहे होते हैं, और आप थोड़ी सी देर में बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि जी अब अम्मी खिदमत करनी पड़ गई। हाँ, अब अम्मी जो बार बार एक ही बार